हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। और आज हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 जो 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स थे, उनके बेसिस पर मैं मतलब काफ़ी सारा ऑब्जर्वेशन करके आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते जा रहे हैं, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो वो सारा देखेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। आपको हर चीज़ आपको बता दी जाएगी कि ये चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन ही समझ लो, ठीक है। और ये वीडियो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए एकदम मतलब फिनिशिंग टच हो जाएगा ये। और जो लोग अभी तक मतलब अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से, उनके लिए टाइम थोड़ा कम बचा, तो कम से कम ये क्वेश्चन ज़रूर देख ले, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर देख ले, क्योंकि कई बार होता है कि हम काफ़ी सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम थोड़ा एनालाइज नहीं कर पाते। तो मैंने सारा एनालाइज करके आज मैं आपके पास ये लेके आ रहा हूँ, पूरी सीरीज है, ठीक है। तो अच्छा, ये रियल नंबर से इसके हर क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने इस चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आपके किसी फ्रेंड्स की हेल्प जरूर कर दे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसके अंदर देखो दो चीज़ें आती हैं इसकी थ्योरी से। पहले एक तो आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसके अंदर बस थोड़ा सा एक स्टेटमेंट बोला गया है, ये उसी तरीके से जैसे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। फिर मेन चीज़ इसमें आती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये वही वही चीज़ हो गई। और उसके बाद में आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। ये HCF निकालने के कुछ तरीके हैं, इसके अंदर एक तरीका है बस, वो बार 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 डिवाइड करते रहते हैं। अभी बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पास। इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये है सिंपल HCF पता करने के, लेकिन इंपॉर्टेंट इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आप मार्क कर लीजिए, या फिर कहीं पेपर पर लिख लीजिए, या फिर स्नैपशॉट ले सकते हो आप वीडियो का, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है HCF की, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का HCF लेना बस आपको, ठीक है, तो पता चल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ये जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए आप, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिस पर है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन समझ लिए, बाकी सारे चीजें हो जाएगी आपके पास। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखो बच्चों एक बार ना इस पर भी एक एग्जाम, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, वो आया भले ही थोड़ा सा मतलब बहुत, एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आया था 2008 में, लेकिन इस पर आ चुका है। ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2, इसके मार्क कर लीजिए। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर। इसमें एक्चुअली ये बोला गया है कि आपको एलसीएम और HCF तो पता करने हैं ही है प्राइम फैक्टराइजेशन से। उसके बाद में एलसीएम इंटू HCF का इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब ये वाला, ये प्रूव करने के लिए भी बोला गया है, ठीक है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन 2018 के अंदर, और उससे पहले 2009 के अंदर ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है, क्योंकि ये आने के चांसेस, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक टच नहीं किए, लेकिन आ सकते हैं। ये इस टाइप का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल्स में भी गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, इनमें 18 और 12 का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 ऐसी एक्सरसाइज है जो 9th क्लास में भी थी, ठीक है। हमें प्रूव करना होता था कि भाई ये प्रूव करो कि √5 या फिर इस टाइप की चीज़ें ये इरेशनल है कि नहीं, ये प्रूव करना है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। इनके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, क्योंकि देखो सारे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 समझ जाओगे वैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के आने के चांस कम है, क्योंकि ये 9th में भी था ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इनमें से 2 आप समझ लो, एक क्वेश्चन पे कमांड बना लो, और बस आपको याद रखना है कि कैसे कैसे प्रोसेस है, कैसे कैसे इसको सोल्व करते हैं। अब बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कब कब आया था। ये क्वेश्चन आया था अभी जस्ट अभी पिछले साल, मतलब 2018 में आया था ऐसा क्वेश्चन। उसमें था कि प्रूव करो कि 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर है। तो ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, और ये इससे पहले आया था, 2010 में भी आया था, 2009 में भी आया था, ठीक है। तो इस टाइप के आप मान के चलो कि आएगा आएगा, पक्का आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। फिर
फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है, उसके भी सारे पार्ट्स नहीं करने, आप बस इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई कर लो, सिक्स्थ पार्ट ट्राई कर लो और सेवन्थ पार्ट ट्राई कर लो, ठीक है। अगर किसी वजह से नहीं हो पाते तो आप जरूर देख सकते हो, इनके है ना सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, आपको बस ये सिक्स्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद में पूछा गया है कि भाई ये सेकंड आगे वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप छोड़ो, छोड़ भी दोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आए। तो क्वेश्चन नंबर टू में बोला है कि जो भी पिछला वाला क्वेश्चन था इस टाइप का, तो इसमें आपको वैल्यू भी पता करनी है, तो इसके ना वैसे सॉल्यूशन आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन 1.4 में सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्वेश्चन के ये तीन पार्ट, फर्स्ट, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगले जो भी चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, मैं सारे मतलब पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।